यूं तो 90 के दशक में बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करने वाली कई खूबसूरत अभिनेत्रियां रही जिन्होंने फिल्मों से अपनी मुंह मांगी रकम लेकर करोड़ों रुपए की कमाई की। बावजूद इसके साल 2023 में इनका करियर ऐसा ठप हुआ कि आज वो कहीं की नहीं रही। तो आखिरकार कौन कौन सी हैं करोड़ों की कमाई करने वाली वो अभिनेत्रियां और कैसे आज उनका करियर ठप हो गया, चलिए आपको भी उनके बारे में बताते हैं। नंबर एक, आयशा जुल्का। जो जीता वही सिकंदर और खिलाड़ी जैसी हिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का में अब पहले वाली बात नहीं रही। जहां बढ़ती उम्र के साथ भी अपनी खूबसूरती खो बैठी है, इस वजह से आज इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता, ना ही अब इन्हें कोई पूछता है, तो इस तरह इनका करियर भी खत्म हो गया। नंबर दो, मधु। 90 के दशक में सबसे ज्यादा डिमांड पर रहने वाली मधु की आज भी डिमांड नहीं है। अधिकतर लोगों ने तो इन्हें भुला भी दिया है, जिस वजह से आज 2023 में प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्मों में नहीं लेते हैं। नंबर तीन, नगमा। गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा लगाने वाली नगमा आज एक्टिंग करियर छोड़ राजनीति में जुट गई है और इनका भी साल 2023 में करियर इसलिए ठप हो गया है क्योंकि अब इनके खाते में कोई फिल्म ही नहीं आती और आए भी कैसे, इनमें पहले वाला हुनर भी तो नहीं रहा। नंबर चार, रवीना टंडन। अपनी एक फिल्म से 2 करोड़ की कमाई करने वाली मस्त मस्त रवीना टंडन जब से अपनी घर गृहस्थी में जुटी हैं तब से इन्होंने खुद ही फिल्मों से दूरी बना ली है, इसलिए अब इनका फिल्मों में कोई नामोनिशान नहीं रहा है। जिनका करियर पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिन्हें आखिरी बार KGF 2 में लिया तो गया पर लोगों ने इन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया। नंबर पांच, करिश्मा कपूर। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने करियर में जितनी फिल्में दी उससे कहीं ज्यादा तो इन्होंने कमाई की, पर आज साल 2023 में इनका करियर भी इसलिए ठप हो गया क्योंकि आज भी एक बिजनेसमैन बन गई हैं और अपने बाल बच्चों में उलझने के चलते ये फिल्मों में नहीं आ सकती हैं। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इन एक्ट्रेसेस के करियर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।